हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, ट्रेन से यात्रा करने के लिए आपने ट्रेन का टिकट बुक करवाया है, अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का, परंतु आगे चल के किसी कारणवश आपका जाना कैंसिल हो गया, आप नहीं ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे कुछ काम की वजह से। तो इस स्थिति में क्या आपके टिकट पे कोई और व्यक्ति यात्रा कर सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन रिजर्व टिकट को किसी और के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति का टिकट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, इसके लिए रेलवे ने बाकायदा नियम बना रखा है। रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी रिजर्व टिकट किसी और व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका टिकट कंफर्म होना चाहिए। वेट लिस्टेड टिकट के ट्रांसफ़र की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे ने कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया है जिसके तहत टिकट ट्रांसफ़र हो सकता है। आप अपना टिकट अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की या पति और पत्नी ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए मैंने अपने नाम पे एक टिकट बुक किया है और आगे चल के मेरा यात्रा करना कैंसिल हो जाता है। किसी कारणवश उस टिकट पे मैं यात्रा नहीं कर पाऊँगा, तो उस स्थिति में टिकट कैंसिल कराने के बदले अगर मेरा भाई को ट्रैवल करना है तो वो टिकट मैं उसके नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। यहाँ पर आप अपने ब्लड रिलेशन में टिकट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे कि अगर चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई या बहन, चाचा हो या चाची हो, उनके नाम पे टिकट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही हो सकता है। परिवार के इन व्यक्तियों के नाम टिकट ट्रांसफ़र के लिए आपको ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र यानी CRS के पास आवेदन देना होगा। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन का टिकट ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस के बारे में हम आपको बता देते हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले टिकट रिजर्वेशन सेंटर पर एक आप एप्लीकेशन दे दें। इसके लिए एक टिकट का प्रिंटआउट ले लें, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया हो तो। अगर आपने इसे काउंटर से ही निकाला है टिकट को, तो टिकट आप ओरिजिनल दिखा सकते हैं। अब आप जिसके नाम टिकट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड काउंटर पर लेकर जाएं। इसके साथ ही इन पेपर्स की एक एक फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर करवा लें। इसके बाद रिजर्वेशन सेंटर पर एप्लीकेशन ले जाकर उनसे टिकट ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसके साथ आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर लगवाएं। तो इस प्रोसेस से आप अपना टिकट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। टिकट ट्रांसफ़र करने से आपको टिकट कैंसिल करने का और फिर से टिकट बुक करने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। इस आसानी तरीकों से आप अपना टिकट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कैसी लगी यह जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।